अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हमारे साथ मैंने जिनको इनवाइट किया है, मैं पहले वो अनाउंस नहीं कर सका। अगर मैं अनाउंस कर लेता तो बहुत सारे लोग हमें और भी ज्वाइन करते। मेरे बहुत पुराने टीचर भी हैं, 10 साल हो गए मुझे इनसे सीखते हुए, और बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट्स हैं इनकी पाकिस्तान में, डेवलपमेंट सेक्टर में भी, और जो है अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें भी। और जो है ना, और ओडी कंसल्टेंट हैं, हम लोगों की वन ऑफ द फर्स्ट इंस्पिरेशन है टू बिकम अ ट्रेनर, टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैं ज्वाइन मैं दावत दूंगा अपने पेज पे जनाब उमेर जालियावाला को। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू उमेर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सर। मजे में, बहुत फिट हो गया हूँ। शुरू में जबरदस्त परेशान जिंदगी चल था रही है। विद द लॉकडाउन, लेकिन नाउ आई एम डूइंग वेल। हाँ, आपने अपने लिए रास्ता ढूंढ लिया है लॉकडाउन में, खुद को भी और ऑडियंस को भी एंगेज करने की। हाँ बिल्कुल, अच्छा जी, एवरीबडी हैज टू फाइंड देयर वे, हर किसी को ढूंढने की जरूरत है। सही। अच्छा उमेर, हमारे जो ये सेशंस मैं कर रहा हूँ, इसकी जो जो मेन थीम है, दैट इज नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर टॉपिक, इट इज अबाउट, मैं यूजुअली अपने टीचर्स को, अपने असातिज़ा इकराम को ही कनेक्ट कर रहा हूँ जिनसे मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा। एंड माय विजन टू दिस सेशन इज बेसिकली कि या तो कोई बंदा किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर बात करना चाहता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं लोगों की ज़िंदगी लोगों के सामने लाऊँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कराची में बड़े मशहूर हैं वो शाह कॉमर्स वाले, नदीम शाह साहब, तो मैं उनको ले आया। वो ही हैज़ ऑलवेज ऑलमोस्ट 35 ईयर्स एक्सपीरियंस इन टीचिंग यंगस्टर्स। तो मैंने कहा सर माशाल्लाह, हमें कुछ नहीं सीखना, बस वी वॉन्ट योर स्टोरी कि आप किस तरीके से और आपसे तो हम वैसे ही बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। तो आपका मैं ये यानी मुझे जो चीज़ नज़र आई उमेर में, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, व्हेन उमेर स्टार्टेड ट्रेनिंग, तो अगर अगला बंदा महीने में 5 ट्रेनिंग या 10 ट्रेनिंग करता था, तो उमेर ने दिन में 3-3 ट्रेनिंग्स की। एंड नाउ ये जो अभी लाइव शोज की बात आई, तो अगर लोग एक दिन में एक लाइव शो कर रहे हैं, तो उमेर दिन में 3-3 लाइव शो कर रहे हैं। एंड उमेर ने और बहुत सारे लोगों को एंगेज किया। तो उमेर, ये जो 10x वैल्यू है या जो 10x इनपुट होता हाँ, है, ये माइंडसेट पे इट्स अ थोड़ी सी पहले डिसऑर्डर, बात इट्स अ डिसऑर्डर, करें। इट्स नेम, इट्स सही कॉल्ड ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एडी। एक्टिविटी। नहीं, मैं कतई नहीं और ना मैं कतई किसी डिसऑर्डर के बारे में कह रहा हूँ। बहुत कंडीशंस होती है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ आपके अंदर ड्राइव्स होती हैं जो कि आपके साथ रहती हैं थ्रू आउट, और अच्छी बात होती है अगर आप उनको रिकग्नाइज करें। सो मेरे अंदर जब मैं बैचलर्स भी कर रहा था, तो उस वक्त मैं पढ़ रहा था, आई वुड गेट डन 1-2 बजे, फिर मैं काम पे आ जाता था, फिर मैं काम उस वक्त भी करता था, तो मेरा डे 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक होता था। और फिर मैंने जब ट्रेनिंग कराई, तो पिछले बारह सही तेरह साल में बेशुमार नंबर ऑफ डेज प्रोलिफिक ट्रेनर हूँ मैं। बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करना मुझे पसंद है, और उसकी वजह मुझे ये भी लगता है कि हमारी आबादी इतनी बड़ी है और हमारे चैलेंजेस इतने ज्यादा है कि वी कांट अफोर्ड द लग्जरी ऑफ गोइंग स्लो, यू नो। सो दैट्स व्हाट माय केस इज। सही। और आपकी ट्रेनिंग में अक्सर हमने ये चीज़ भी सुनी जो आप हमें भी समझा रहे थे कि ये हमारे मुल्क में तो एक्सपेंशन की बहुत ज़रूरत है। लोग हमेशा बोलते हैं न्यू आइडिया, नई बात, नई बात, लेकिन इधर एक चीज़ जो कि वर्केबल है और वो मुख्तलिफ जगहों पे नहीं हो रही, तो व्हाई डोंट यू गो देयर एंड यू जस्ट रिपीट द प्रोसेस। एब्सोल्युटली, अच्छा उमर, एब्सोल्युटली, ये मार्केट मार्केटिंग यही उमर तो सिखाती है ना कि आपने मार्केटिंग में देखिए, इफ यू वांट टू ग्रो देन इधर यू विल सेल समथिंग न्यू, बिजनेस वाइज बात कर लेते ना, या तो आप जी कुछ जी नया ठीक है बेचेंगे पुराने कस्टमर्स को, या आप अपना पुराना बेचेंगे किसी नए कस्टमर को। अब नए इसको कस्टमर ट्रेनिंग पे ले आए और हमारे डेवलपमेंट के काम पे ले आए, तो यहाँ पे तो कस्टमर बेनिफिशरी है। और अगर इसी तुम्हारे वाले फॉर्मूला को लगा दो, तो उसी वजह से तो इतने पूरे पाकिस्तान भर में काम शुरू हो गया ट्रेनिंग का, और यू नो जगह जगह से लर्निंग की आवाज, लीडरशिप के इवेंट्स होना शुरू हो गए, बिकॉज पीपल यू नो वेंट अराउंड। एंड उसमें फायदा ये भी हुआ कि मार्केट भी ग्रो की, उनका अपना भी एक्सपीरियंस बढ़ा, प्रैक्टिस ग्राउंड बढ़ा, और मुझे ज्यादा इसमें फायदा ये लगता है कि हम बहुत सारे लोगों तक पैगाम पहुंचा पाए।
और पैगाम अच्छा पैगाम है, इट्स पॉजिटिव मैसेज। सही। अच्छा उमर, एक एक चीज जो हमने और आपकी जिंदगी को, यानी अच्छा असल में ताल्लुक आपसे काफी पुराना हो गया, तो ये देखा कि आप ना नया कुछ करते हैं और यू यू लव द चैलेंजेस, यानी पहले यानी आपकी जिंदगी का एक फेज गुजरा हैदराबाद में, देन यू केम टू कराची, और कराची में बिल्कुल एक नया, और फिर जब कराची में आप यू वर एट द पीक, देन यू मूव ऑन टू इस्लामाबाद, और आपने ना सिर्फ ये शहरों के साथ किया बल्कि आपने अपने कैरियर में भी ऐसा, यानी एक एक लीडरशिप, एक एक टॉप पोजीशन पे पहुंच के, और बहुत यंग एज में आपने जो है ना वो यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। तो ये मैं पूछना चाहूंगा, ये क्या, यानी ये अपब्रिंगिंग या ये माइंडसेट आपका कैसे डेवलप हुआ, एंड हाउ वी कैन डू डू दैट, कि यार बस अच्छा खेलते हुए नेक्स्ट लेवल पे जाओ रादर ये कि एक जगह बैठ जाओ। एक तो मैं जवान आया हूँ इंडस्ट्री के अंदर, मैं 19 साल में आ गया। जब आप जवान आते हैं ना तो आप बेशरम आते हैं, और बेशरम भी आते हैं और क्यूरियस भी आते हैं, सीखने के लिए भी आते हैं। कुछ होते हैं जो जिस तरह कॉर्पोरेट में काम करके और फिर वो लर्निंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, तो जाहिर है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड सीधे चलते हैं। नंबर टू, मेरा फर्क ये था कि मेरा स्टार्ट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग नहीं है, मेरा स्टार्ट ट्रेनिंग है और स्कूल ऑफ लीडरशिप के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आगाज है। तो कॉर्पोरेट तो मैंने बाद में किया, तो मैं सेक्टर में भी स्पेसिफिक नहीं हो सका। मैंने कॉर्पोरेट भी किया, डेवलपमेंट भी किया, पब्लिक भी किया, एकेडेमिया भी किया, और मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना फारिग फील करता हूँ, कितना कम नॉलेज वाला फील करता हूँ, कितना कम स्किल्स वाला फील करता हूँ। तो मेरे सामने दो चीजें हैं, कि मैं बड़ा तख्ता बना लूं, बड़ा नाम बना लूं और कहूं कि मैं ये भी हूँ, ये भी हूँ, ये भी, और ठीक है हम करते हैं, सब करते हैं कुछ लेवल पे, या मैं यार जॉयफुली जी लूं, मैं सीखता रहूं, मैं सिखाता रहूं। मुझे ये पसंद है ना, सीखना और सिखाना। तो SOL जब मैं CEO बना था तो मैंने उसी वक्त कहा था कि मैं 5 साल में मूव ऑन करूंगा। मैं बहुत पहले से कहता था कि मैं 30 साल में छोड़ दूंगा इदारे, 30 साल में इदारे छोड़ दूंगा। उसकी वजह ये थी कि मैं 30 साल बाद कंटेंट पे काम करना चाहता था, एज ए ट्रेनर इमर्ज करना चाहता था। और यही मैंने किया। इट वाज जस्ट द राइट टाइम फॉर मी टू स्टेप डाउन। दूसरी वजह ये भी है कि मैं, क्योंकि तुम्हारी ही बात से कनेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा जो करते हैं ना वो फिर बर्नआउट भी कर जाते हैं, तो ये एक नेचुरल है कि आपने इतना कर लिया सही। होता है, हर बार मैं इतना घुसा हूँ ट्रेनिंग, तुम्हें पता है कहाँ नहीं, तो फिर वो इट्स, फिर आप कहते हैं कि अच्छा आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम दिस। हालांकि उसकी जरूरत होती है, लेकिन देखो फायदा ये होता है उमेर वो करने से, कि अगर मैं मूव ऑन कर जाता हूँ तो वैक्यूम नहीं रहता, वो वैक्यूम हमेशा फिल इन होता है, और किसी की वजह से कोई वैक्यूम नहीं रहता। हम ग्रो ही ऐसे करते हैं कि यू नो, सही। व्हेन आई एम फाइंडिंग समथिंग, तो आई वाज एबल टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर मेनी यंग पीपल टू स्टेप अप। एंड आई जस्ट फील कि पीपल गेट, इतने हमारे यहाँ तो च्युइंगम बन जाते हैं ना। एक साहब से मैं मिला, मुझे कहते हैं रिटायरमेंट थी उनकी, एंड ही सेड समथिंग लाइक कि मैं 35 साल मैंने इस कुर्सी पे किसी को नहीं आने दिया, एंड ही वाज वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और मैं बहुत सैड हुआ उनकी ये बात सुन के। कोई सूफी वहां नहीं मरा जहाँ पैदा हुआ, सबने ट्रेवल किया, सफर वसीला जफर है। अपने आप को अपने कंफर्ट से निकालना ही तो सीखना है, वही तो चैलेंज है। मैं इस्लामाबाद गया ना, मैं जलीलो ख्वार हो गया। कराची में तो हर कैफे, हर रेस्टोरेंट इतने जानने वाले, और बॉयज ही बॉयज और गर्ल्स ही गर्ल्स, और साथ काम किए हुए ना, तो कोई चीज आ जाए, कोई असाइनमेंट नहीं पता, कोई हेल्प आ जाए, मिल गए, बैठ के कर लिया, शीशों की संगतों पे घंटों हम लोगों ने फंड रेजिंग की, काम किया। दैट वॉज कराची फॉर मी, ऑल माई फ्रेंड्स एंड इस्लामाबाद नोबडी नोज, नोबडी केयर्स। लेकिन ये चैलेंज ही फिर आपको जो है वो, मुझे लगता है कि आपको एलिवेट करता है, आपको अपने आप को समझने का मौका देता है, वरना जब आप पैटर्न में आ जाते हैं फिर तो सोच नहीं रहे होते ना। आई एम सही गोना आस्क यू अ क्वेश्चन उमेर, हाउ आर यू? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का करम। हाँ, अब तुम्हारे पेट में भी दर्द होता है तो तुम यही कहते हो, पैटर्न है ना। ये तुम्हारा पैटर्न है ना, किसी का पैटर्न है फाइन। तो ये पैटर्न में जब आप होते हैं ना तो सोच नहीं होती फिर। यही वजह है कि अब आप ट्रेनिंग, जिस तरह मैंने एक प्रोडक्ट उठाया, मैंने डिलीवर किया है ना, तो लोग कहेंगे ये बात तो आपने वहां भी की थी। क्यों? क्योंकि आपने वो प्रोडक्ट चलाया है ना, आपका वो पैटर्न बन गया है, और आपको पता है इसके बाद समझ आती है, और आपका माइंड वैसे ही नेविगेट करता है, जब वो ट्रिगर होता है वैसे ही नेविगेट करता है। सो उसको तोड़ने के लिए शायद मेरा अंदाज ये था कि मैंने
मूव ऑन किया. इस्लामाबाद में वैसे इसलिए गया था बिकॉज एक तो आई वॉन्टेड टू लिव इन इंडिपेंडेंट लाइफ बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन विद माई फैमिली. नंबर टू आई हैड डन मेनी मेनी ईयर्स इन कराची and I already have a market in Karachi. I wanted to develop a market in Lahore and Islamabad. So ye kuch wajuhat thi ke plus meri begum bhi Islamabad ki hai, uski family wahan ki hai aur main Karachi har teesre chauthe din despite of being in Islamabad aata rehta hu. Corona ki wajah se change hua hai. So I felt that I could, you know, expand to another city. Ab Islamabad ke baad kahin aur jaunga inshallah. Inshallah. अच्छा उमर, हमने अभी ये जो लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ तो हमने उमर का एक ऐसा रूप देखा जो कि होगा पहले भी लेकिन पब्लिक में वो इतना, हमने हमेशा उमर को बोलते हुए देखा, हमने हमेशा उमर को ट्रेनिंग्स करवाते हुए देखा और बड़ी एनर्जी. अच्छा जब उमर ने यानी नाउ देयर वर टू ऑप्शन, या तो उमर मल्टीपल जगहों पर ऐसे अपेयर होते जैसे आज आप मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल एक दूसरा रास्ता चूज किया इस बार एंड यू इंटरव्यूड a lot of people और वो आपका एक इससे पहले भी एक शो चल रहा था. अच्छा उसमें जो मैंने एक बात नोट की कि वो उमर जैसे हमने बहुत लाउड और हर वक्त बोलते हुए और जो है ना लोगों को सिखाते हुए सुना, बट यू वर रियली यानी इंटरेस्टेड इन द पीपल और आप जिसको भी ले रहे थे तो वो यानी समझे एक घंटे के एयर टाइम में आप दो चार सवाल ही पुट कर रहे हैं, मेजॉरिटी डिस्कशन इज टूवर्ड्स दैट. तो ये आपके अंदर पहले से थी बात या एक ट्रेनिंग का वो आपने कहा ना जैसे कि मैंने सारी ट्रेनिंग्स कर ली एंड नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, तो ये चीज हमें बड़ी जबरदस्त तो सारी ट्रेनिंग नहीं की लेकिन मैं काफी सारे पोर्टफोलियोस कर लिए, बट आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन सो इट्स मेकिंग मी थिंक नाउ. बट आई हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस, आई हैव मेट पीपल एंड दैट्स हाउ आई हैव कनेक्टेड विद पीपल, लिसनिंग अबाउट देयर बिजनेसेस, अबाउट देयर स्टोरीज. मुझे तो बहुत मजा आता है ये, मैं प्योरली मतलब तुम समझो कि मैं कैमरा बंद कर दूं ना तो भी मैं एग्जैक्टली बैठ के यही करूंगा. सही, तुम समझ रहे हो तो वो, और मैं कहता भी हूँ सीरीज में कि आई एम हेल्पिंग माय सेल्फ एंड हेल्पिंग अदर्स, आई सी दैट कनेक्शन देयर. सो ये वो सवाल आते हैं, ये वो मौजू आते हैं जो कि मुझे इंटरेस्ट करते हैं या मेरे ऑडियंसिस को इंटरेस्ट करते हैं और मैं इस गुफ्तगू का हिस्सा रहता हूँ. तो मैंने कहा क्यों ना इस पे हम जो है and I know बहुत सारे लोग कर रहे हैं and it's I'm glad के there's great work happening. The difference that I wanted to make here was that I'll do an hour and I'll have 10 questions and we will speak about the questions. You know तो वो और मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इतनी खूबसूरत उसमें से बातें निकली हैं. अल्लाह इस कौम को education की तरफ जरा ज़्यादा झुकाए entertainment के मुकाबले में. I can tell you it's a gold mine. It's a gold mine and it's not a gold mine because I'm not doing anything in it. I'm just asking. But जो लोग बातें बता रहे हैं और क्योंकि सबकी महारत है, हर शख्स, हर इंसान, हर ट्रेनर, every person has, you know, something that they specialize in, something that they have mastered. And it's always a joy listening to somebody who knows the game and it's flowing out of them. तो मैं तुम्हें मिसाल बताऊँ, मैं गांधी साहब से मिला long time ago. When I was in Malaysia, तो गांधी साहब ने मुझे मिसाल दी है कि उन्होंने कहा कि देखो दो तरीके होते हैं, एक होता है कि आप इल्म कप में डालते हैं थोड़ा सा और फिर उसको बांटने चले जाते हैं, और दूसरा तरीका होता है कि आप कप भरते रहते हैं और जब वो कप पूरा भर जाता है तो वो छलकना शुरू हो जाता है, ओवरफ्लो करता है. तो उन्होंने कहा अच्छा उस्ताद जो है ना वो दूसरे कप की मानंद होता है कि वो भरता रहता है और छलकता रहता है. और मुझे ये वाकई नजर आया, मैंने जिन उस्तादों को इंटरव्यू किया, कुछ का मैं फैन हूँ, कुछ का मैं दोस्त हूँ, फैंस एंड फ्रेंड्स, और जब वो ओवरफ्लो कर रहा था ना, अब्बास हुसैन अगर आप देखें, मैक्स बाबरी को देखें, नईम जमींदार को देखें, वली को देखें, शीरीन, कामरान, अब कुछ तो आप जानते हैं, बट मैं उस ओ में मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो बात सुनते हुए बुत में. So I really, really feel that it's been a pleasure. It's been an honor to do it. I don't think that मैंने contribute किया. I think मेरे मेहमानों ने आके मेरी ज़िंदगी में और सारे जितने लोग जुड़े उन सब की ज़िंदगी में contribute किया. अच्छा उमर, training के हवाले से एक सवाल मैं पूछूं. अच्छा मैं तुम्हारी बात एक मिनट मुकम्मल कर दूं, sorry. अच्छा जो swing है ना वो बनता ही उस वक्त है. आप पावरफुल स्पीकर बनते ही उस वक्त हैं जब आप बहुत अच्छे लिसनर होते हैं.
जिस तरह बगैर रीडिंग के राइटिंग नहीं है डार्लिंग, इसी तरह बगैर लिसनिंग के स्पीकिंग नहीं है. ओके, सो यू गॉट टू लिसन टू ग्रेट कंटेंट. तुम देखो मैं हैदराबाद से हूं, मैं मेमन हूं, मेरी जबान में तुम्हें मेमनी सुनाई देती है. मैं ये नहीं कह रहा बुरी बात है, अगर लेकिन कुछ कुछ लोगों की होती है ना. लेकिन इसकी वजह यह है कि बचपन में मैं जो सुनता था वो एक्सेंट मुख्तलिफ था, वो वोकैबलरी, वो जबान मुख्तलिफ थी. फर्क पड़ता है. तो आप जितना अच्छा सुनेंगे, अगर आप स्पीकर हैं तो आपको बहुत अच्छा सुनना चाहिए. सही. अच्छा उमर, हमारे साथ आसिफ अजीम साहब हैं. पहले इनका क्वेश्चन ले लेते हैं, देन हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे. अस्सलाम वालेकुम सर. जी अस्सलाम वाले वालेकुम. सलाम, हाउ आर यू? जी आसिफ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू सो मच एंड स्पेशल थैंक्स टू उमर दैट ही हैज गिवन टाइम टू अस. थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर. थैंक यू वेरी मच. Yeah, it's a pleasure to have you. I just actually logged in. I got the notification from Junaid. So please allow me some time to get into the train so that I could get the topic. जी, wonderful. Stay with us. Yeah, thank you. ठीक है सर. अच्छा, मैं शो तुम चला रहे हो, मैं शो चलाना शुरू हो गया. सॉरी. नो प्रॉब्लम. अच्छा उमर, मैं ये कह रहा था कि व्हाट आई फाइंड के बहुत जो जो हमारा एजुकेशन में बहुत फिलोसफिकल बातें थीं, बड़ी ठेठ बातें थीं. एक नदीम भाई मरहूम, नदीम से हमने सीखा कि उसको कैसे एंटरटेनमेंट बनाकर और ऐसी ऐसी उसमें कि वो नौजवानों को भी समझ आए. और वो बंदा जो कि इकबाल का शायद उसको शेर पढ़ने में समझ में नहीं आया, लेकिन वो आपके साथ आके उसको कनेक्ट करे. तो ये जो डिलीवरी वाला पार्ट है, अगर हम लोग एज अ ट्रेनर या एज अ टीचर या कोई किसी के साथ भी गुफ्तगु कर रहा है, इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं हम कि वो रिलेट करे सामने वाले से. जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मैंने पढ़ी थी एजुकेशन में, लेकिन वो आपका कहीं इस्लामाबाद में कोई लेक्चर था, उसमें मैंने सुना आपने वो कायदे आदम के 14 नुकात पे रख के पूरी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमें समझा दी. वो मुझे समझ आ गई कि यार ये तो इतनी आसान थी. तो दिमाग. जी सर. अच्छा, उससे पूरी समझ नहीं आती, लेकिन उससे थोड़ी समझ बनना शुरू हो जाती है, इसलिए हम यूज करते हैं. जिस तरह शायर जो है वो मिसाल दे के बात करता है, तशबी दे के बात करता है. कम्युनिकेशन बुफे जो है ना, अब वो जरा सोच लेते हैं क्या क्या है. मेरे पास बात समझाने का एक अंदाज है कि मैं उसको एज इट इज बता दूं, एक अंदाज है कि मैं कहानी में बताऊं, एक अंदाज है कि मैं तस्वीर दिखाऊं, एक अंदाज है मैं वीडियो दिखाऊं, एक अंदाज है कि मैं तुम्हें कराऊं, एक अंदाज है मैं तुमसे पूछूं तुम क्या जानते हो. बहुत सारे अंदाज है, ठीक है. इनको आप फैसिलिटेशन टेक्निक्स कह सकते हैं. फैसिलिटेशन टेक्निक्स यानी उसी आइडिया को सिखाने के बहुत सारे मेथड्स हैं. जैसे हम ब्रिटिश काउंसिल के साथ मैंने ट्रेनिंग कराई और अभी भी कराता हूँ, एंड माशाल्लाह आई एम ग्रेटफुल टू ब्रिटिश काउंसिल फॉर टीचिंग अस फैसिलिटेशन फॉर रियल. मैंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग सीखी थी, मैंने फैसिलिटेशन नहीं सीखी थी. और शायद जो सवाल भी है ना लिसनिंग वाला, हमारी लिसनिंग स्किल वहां पे और उसको कैसे आप सुन के और उसको प्रोसेस करते हैं बजाय इसके कि अपनी बताते हैं इन लर्निंग इंटरवेंशन, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ. मैं तुम्हें मिसाल ये दे रहा हूँ कि उस मॉड्यूल के अंदर कोई 50 मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस होंगी जो कि प्रोसेस थे. समझ रहे हो कि मैंने कोई भी चीज सिखानी है तो मैं क्या मेथड, एक मिसाल लेके क्लासरूम में क्विज करा लेते थे, ठीक है. वो क्या था, इट वॉज अ मेथड टू रोल आउट. सो फैसिलिटेशन मेथड एक तो लुकअप करें. नंबर टू, जिस ऑडियंस से बात कर रहे हैं उससे पहले बात करें. आप उससे बात कर रहे हैं तो आप तो उससे बात, आप उसकी तो सुने ना पहले. पहले कहते ना, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड. ये मुल्क बकवास करता है ना, 7 हैबिट्स का मजाक उड़ाते हैं अक्सर. मैं टॉक सुनता हूँ, पीपल वुड जस्ट वॉक ऑन टू ग्रेट फलां चीज. थर्ड हैबिट, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड. तो आप नौजवानों की गुफ्तगू सुन लें तो आपको समझ आ जाएगा आपने उनको गुफ्तगू कैसे सुनानी है. आप में टेम्परमेंट है सुनने का, हर तरह की गुफ्तगू नॉन जजमेंटल होके जस्ट टू अंडरस्टैंड देम. सो जब मैं एंटर हुआ तो उस वक्त क्या सोशल मीडिया चल रहा था, शुरू हुआ था. अभी तो बहुत ही आगे बढ़ गया ना. अब तो हम उस वक्त ही छोटी, जिस तरह मुनीम टाइप पिक्चर्स पे हम लोगों से कनेक्ट करते थे, राइट, एक दूसरे से. सो इट वॉज अ रेलिवेंट थिंग. अगर मैंने आज के दौर में गुफ्तगू करनी है तो आज की मिसालें उठानी है. अगर मैंने बाबू से गुफ्तगू करनी है तो मैं पहले उनकी सुनता हूँ. इदारे में जाके हम डिपस्टिक करते हैं ट्रेनिंग कराने से पहले. नौजवानों से जब आप, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने यूसीपी के लिए प्रोजेक्ट किया, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के लिए, तो उसमें
करिकुलम बनाने से पहले उन स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारे टाइम स्पेंड किया, जिसमें क्या पूछा उनके करियर के क्या चैलेंजेस हैं, वो बनना क्या चाहते हैं, उनको असेस किया किसकी प्रेजेंटेशन, ताकि आप वो प्रोग्राम रेलेवेंट बना सकें। अब जहां तक तुम्हारी बात रही नदीम वाले स्टाइल की, वो मौलाना तारिक जमील से तुम सीख लो। वो क्या करते हैं, वो एक कहानी सुनाते हैं, फिर उसको लेकर आते हैं कि ये कहानी देखो ये इसलिए थी कि उमेर जो है ना, उमेर बैठा होगा एक दिन, कर रहा होगा स्ट्रीम यार्ड में बैठ के लोगों से बातचीत और लोगों को अच्छे ख्यालात सिखा रहा होगा। ये सीखना इसलिए था कि उमेर अपने स्ट्रीम यार्ड में सुनना शुरू कर दे। हाँ, that's a connection made. Are you getting it? So yes. Your audience is going through something. The organization that they are part of, that's going through something. अगर आप उस intervention से पहले उनको सुनेंगे तो आप बहुत relevant naturally हो जाएंगे। Number two, कर करके मैं इतने नौजवानों के साथ आप जब काम कर लेते हैं तो फिर आपके कुछ अंडरस्टैंडिंग बन जाती है ना, यही तो इम्प्लिसिट लर्निंग होती है कि आपको पता है कि अच्छा व्हाट इज ऑन द माइंड। जब मैं सीए स्टूडेंट से मुखातिब हूं तो मैं पता है ना क्या चल रहा है दिमाग पे इन मोस्ट केसेस, और कुछ मैं फिर उस वक्त सेंस करता हूँ। उस वक्त सेंस करना क्या होता है कि आप गए, अब लोग खड़े हुए बैठे हुए लेकिन बैठे हुए हैं और आपके लिए ही ताली बजा दी, तो आप उनसे आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये खुद नहीं आए हुए। तो आप पूछ लें भाई खुद आए हो, तो कहेंगे नहीं। अब ये कनेक्शन है ना, अभी बात शुरू ही नहीं हुई, कुछ तो पल्स पे लाओ। सही यार, वो ऑब्जर्वेशन से है, वो देखने से है। इतनी बड़ी खबर आई हुई है इस वक्त, तुम आके ट्रेनिंग करा रहे हो, तुम उस खबर की कोई एड्रेस ही नहीं करते। पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है, सही, या उस्ताद जिस तरह करते थे ना, बाहर बारिश हो रही, सारे बच्चे बाहर देख रहे हैं, उस्ताद कह नहीं इधर देखो, बारिश के थ्रू भी तो आप कुछ करा सकते हैं ना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये इन टेक्निक्स में रिस्क होता है। सही। एक ए से बी जाने का लीनियर तरीका है, चली जाती है ना। देखें मैं आता हूं, मैं ऐसे बात समझा देता हूं, आप कह रहे हैं मैं ये करूं, भाई ये करते हैं तो कभी कभी ये ऊपर नहीं जाता बल्कि ये नीचे जाता है। That's why people would not try a new way. And Nadeem was what? Nadeem क्या करता था? Nadeem तो इतना फेलियर करता था। एक मतलब एक्सपो सेंटर पे नदीम करा रहा था एक्टिविटी, पागल हो गए लोग, इतना पागल हो गए, भगदड़ मच गई, अंधेरा हो गया कि नदीम गॉड पिस्ड ऑफ, कहते हैं मैंने नहीं करा, नहीं यहाँ पे ट्रेनिंग और जा रहे हैं। 2010 की बात है वो जो बड़ा इवेंट, जो आई वाज इन दैट। लेकिन कोई गैरत, कोई इतना तप्पड़ दिखाए नदीम जितना, कि इतने बड़े ऑडियंस के साथ इतना बड़ा चैलेंज, उसने वाईएलसी में 300 लोगों को जलते हुए कोयले पे चलाया। सही। 300 बॉयज एंड गर्ल्स, ही वाज अ डेयरिंग मैन। So when you're daring, you don't mind failing. Vulnerable हो जाते हैं आप कोई, और तभी उससे मोहब्बत बनती है। आप नदीम को सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं करते, आप नदीम से लव वाली बात करते हैं। So ये बहुत रेसिपी है कि अगर आप गंदे होने के लिए तैयार हैं। नदीम आके पहले सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर करता था, अपना मजाक उड़ाता था, कहता शदीद गर्मी के अंदर दो गली का कुत्ता और सेल्स फोर्स का नुमाइंदा, ये दो लोग आपको सड़क पर मिलेंगे। वो अपनी बात करता था, जब वो अपना मजाक उड़ा लेता था तो वो लोग। सो आई वुड सजेस्ट टू समराइज इट, नंबर वन लोगों की सुने, बहुत जरूरी है। नंबर दो, जब आप बना रहे हैं तो उसको उस पल्स पे लेकर आ जाए जो कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, नेवर स्टे अवे फ्रॉम इट। नंबर थ्री, ऑलवेज एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, व्हाट्स ऑन द माइंड ऑफ द पीपल। नंबर फोर, हैव मेक फन ऑफ योर सेल्फ, बी विलिंग टू डू थिंग्स। मैं तो जब कॉर्पोरेट्स के साथ जाके पहले यूं करता हूं तो मुझे यूं देख रहे होते हैं और फिर वापस से बात भी कर रहे होते हैं। एंड देन आई जस्ट हैव टू डू लाइक 5 मिनट्स एंड 10 मिनट्स ऑफ गिविंग देम ठक 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 ठक, और अंग्रेजी शानदार, आधे तो वही तेल हो गए, सही, बाकी आधों को आपने जीतना है। सो देर आर वेज दैट यू गेट, यू लर्न व्हेन यू गेट इनटू इट, लेकिन एब्सोल्युटली ट्राई करना है, रिस्क लेना है, ताकि आप सिर्फ ये ना इस्तेमाल करें बल्कि मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करें। सही। आसिफ भाई, अगर आप हमारे साथ हैं, सर आसिफ, तो आप उमेर भाई से सवाल जो करना चाह रहे हैं। जी आसिफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम उमेर। फॉर्चुनेटली आई एम, जी वाले साहब, फॉर्चुनेटली आई एम टीचिंग इन अ टीचिंग प्रोफेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो ये लिसनिंग का जो है, पढ़ते भी रहे पढ़ाते भी रहे, बट जस्ट अ क्विक क्वेश्चन, कि वी ऑल नो
एक अच्छे लिसनर, चीज़ों को समझने के लिए, सीखने के लिए हमें एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, और यही चीज़ें हम सिखाते भी रहे। बट यू नो, एज द पर्सनैलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो फॉर एन इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी इट बिकम्स वेरी इजी टू बिकम अ गुड लिसनर एंड टू ऑब्जर्व व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। बट फॉर एन एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी इट बिकम्स अ चैलेंज के वो सुन सके, या एक टीचर के लिए इट बिकम्स अ चैलेंज के एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को वो इस बात को कन्विंस कर सके दैट ही शुड लिसन, ही शुड अंडरस्टैंड बिफोर रिएक्टिंग टू एनीथिंग। सो इस चैलेंज को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि अगर सामने हमारे पास कोई एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज हो और हम ये चाहें कि उसकी लिसनिंग अच्छी हो, तो उसे किस तरह से हम कन्विंस कर सकें बजाय ये कि वो हमें रिएक्ट करे, वो रिस्पॉन्स की तरफ जाए। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। बहुत इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स की बातें मैं सुनता हूँ। यू आर राइट हियर व्हेन यू से दैट इंट्रोवर्ट्स आर बेटर लिसनर्स एंड दे बेटर लिसनर्स। हाउएवर जरूर लुकअप कीजिएगा इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की इटसेल्फ जो डेफिनेशन है, क्योंकि जो जनरल डेफिनेशन है वो है कि एक्सट्रोवर्ट बहुत सारे खुले टुल्ले होते हैं, बातें करते हैं, और इंट्रोवर्ट रिजर्व होते हैं, शाये होते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते, अपने साथ रहते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है, और कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि एक्सट्रोवर्ट्स जरूरी नहीं कि सिर्फ बातें करने वाले लोग हों, और इंट्रोवर्ट जरूरी नहीं कि सिर्फ खामोश रहने वाले लोग हों, बल्कि इसको ऐसे देखें कि इंट्रोवर्ट्स अपने बारे में बातें कम करते हैं, प्राइवेट होते हैं ज्यादा, और एक्सट्रोवर्ट्स अपनी सारी फीलिंग्स उठा के खोल देते हैं। सो बट वट एवर इट इज, देर इज डेफिनेटली वन इज बेटर देन दी अदर। लेकिन अगर आप लिसनिंग को स्किल मान लें तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि अगर आप इसको स्किल मान लेंगे ना, तो आप इसको इस बात से जोड़ेंगे ही नहीं कि देखिए मैं ऐसा हूं या नहीं हूं, आप जैसे भी हैं भाई, सवाल ये कि आप करते क्या है। ओके, सो यू थिंक अबाउट दिस, डोंट वरी अबाउट वट यू आर एंड वट यू नॉट, वरी अबाउट वट यू डू एंड वट यू डोंट डू। स्किल तो यही होती है ना, मुझे स्किल नहीं आती ड्राइविंग की, मैं बना सकता हूँ, यस। मुझे स्किल नहीं आती स्विमिंग की, मैं कर सकता हूँ, यस। तो लिसनिंग भी एक स्किल है, डेवलप हो सकती है। कैसे डेवलप हो सकती है, इसके ऊपर एक पुरानी एक्सरसाइज है। मैं आपको पुराने दौर में जब किसी सर्कल्स बनते थे और लोगों की बात सुननी होती थी, तो वो एक स्टिक कैरी करते थे, और जिसके हाथ में स्टिक होती थी सिर्फ वो बोल सकता था, और कोई नहीं बोल सकता। और जितना आपके अंदर आ रहा हो ना, आपको रोकना होता था अपने आप को। हम इसी को वर्कशॉप्स में प्रैक्टिस कराते हैं, ट्रेनिंग में प्रैक्टिस कराते हैं। सो वही लोग जो कहते हैं, देखिए मैं जब पहली 5 मिनट जो है ना, मेरे लिए इतनी सारी चीजें आ रही थी, लेकिन फिर मैं, तो वो स्किल डेवलपमेंट है। गफलत है सही। कि मुझे पता ही नहीं, मैं अच्छा मैं सुनता ही नहीं हूँ। कम अज कम जाग जाए, आप अच्छा सुनते हैं या नहीं सुनते आपको पता होना चाहिए, और नहीं सुनते अच्छा तो अनाड़ीपन पे आ जाए। अब कोशिश करें कि जो आप अगली गुफ्तगू करें, प्लीज नॉट नेसेसरीली किसी अच्छे बंदे की गुफ्तगू, कोई बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग, आपके घर में लोग मौजूद हैं, जाएं और उनसे एक ओपन एंडेड सवाल पूछें, और फिर इंटरेस्टेड हो जाएं कि वो क्या कह रहे हैं, और आपके दिमाग में जो ख्याल आए, अब वो ख्याल आएगा अब, लेकिन वो ख्याल को जुबान पे जाने के बजाय, अगर आपका ख्याल निकलते जुबान पे चला जाता है, तो आप बहुत कमजोर आदमी है। सही। इसका और के दरमियान क्या कोई ऑब्जर्वर है जो देख रहा है कि दिमाग से ये निकल रहा है और यहां तक जा रहा है? अगर नहीं है तो आप रिएक्ट ही कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड तो कर ही नहीं रहे। इसीलिए कहते हैं कि हियरिंग तो बायोलॉजिकल है, खुद ही हो रही है, लिसनिंग फोकस होता है, कॉन्शियस होता है, आप लगाते हैं अपने आप को, जैसे मैं कॉन्शियसली बैठा हुआ आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त। सो ये कॉन्शियस लगाना, आपको फोकस आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा दूसरों की, जब आप इसको इन प्रैक्टिस लाएंगे। अगर आपका माइंड बहुत ज्यादा स्वे करता है, इधर उधर जाता है, तो जरा डीप ब्रीदिंग ट्राई करें, जरा मेडिटेशन ट्राई करें, या ओल्ड स्कूल एक नुक्ता लगाएं दीवार पे और देखते रहें बैठ के। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि पहले दिन आप 1 मिनट में इतना सोचेंगे, और सिर्फ 5 दिनों के बाद आप मजे से 5 मिनट देख सकेंगे। ट्राई दैट, लिसनिंग इज अ स्किल, इट कैन बी लर्न। सही। बहुत शुक्रिया उमैर, आपने जवाब दिया। आसिफ भाई, अगर कोई और सवाल हो तो आप मुझे फिर प्राइवेट चैट में शेयर कर लीजिएगा। ठीक है जनाब। अच्छा उमैर, एक और चीज़ जो मेरे जहन में थी आपसे पूछनी थी, वो ये कि हमारी जो फिजियोलॉजी है, यानी या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, अगेन क्योंकि आपकी कोर
मैं वन ऑफ यानी SOL की कोर में या आप लोगों की ट्रेनिंग में, दैट वाज द थिंग व्हिच वी हैव फाउंड, जो कि हमें दूसरी जगहों पे शायद इतनी ज्यादा नहीं मिल रही थी, और वो रियली कनेक्ट करता है कि पसीना निकल रहा है और बंदा एक इंगेज है. सो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में होते हैं, क्योंकि यहाँ तो सही है यंगस्टर्स के साथ तो मसला नहीं है, आपने उनको डांस भी करवा लिया कुछ भी करवा लिया, बट व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट, तो वहां पे जैसे आपने कहा कि आधे से ज्यादा लोग तो आपको जज कर रहे होंगे, एंड यू वर वेरी रियली यंग व्हेन यू स्टार्टेड, तो वो चैलेंज आपने कैसे मीट किया, एक तो इसकी इम्पोर्टेंस पे बात करते हैं, एंड देन फिर वो अपने से बड़ी उम्र के लोगों को इस स्पेक्ट्रम पे ना सिर्फ ये कि अपने आप को एक्सेप्ट करवाना, उनको लाना. जी सर. देखो इसको हम बड़ा सिंपल जो है ना, एक वैक हम टूल कराते हैं और उसमें आपको एक्टिव और पैसिव का फर्क पता चल जाता है, और ये भी पता चल जाता है कि आप जो इतनी टेंशन लगा रहे हैं एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वो काम भी कर रही है नहीं कर रही. मीनवाइल हु मेयर रिटर्न्स, आई विल शो यू व्हाट आई हैव. कहां में हो यार? मैं मौजूद हूं सर. ओके ओके, आई एम ठीक है, ठीक है. आई नो यू. I'm just trying to add something here. Wait a second. Okay, can you see my screen? Okay, guys, ये भी I encourage people to look up, or yes, you know, yes, I can look up a little less. We should look up a lot. Validate करते हैं जो जानते हैं, जो नहीं जानते look up करते हैं, and it's okay. Parts of it you understand, parts of it you don't understand. Okay, so I want to show you this learning pyramid. This will help you understand ki kya game hai kya iska. Okay, so here it is. Aapko passive nazar aa raha hai yahan pe aur active nazar aa raha hai. Can you see that? Umair, aapki awaaz nahi aa rahi. Okay. All right. Kyunki main kuch bol nahi raha. Okay, so very simply, whatever little you can see, ये देखें, all right? So lecture अगर है तो 5% retain करते हैं लोग, और passive form यानी मैं बोल रहा हूँ आप बैठ के सुन रहे हैं. अगर reading है यानी मैं आपको कुछ पढ़वा भी रहा हूँ तो 10% है. Audio visual जिस तरह अभी दिखा रहा हूँ तो 20% है. 10 and straight कुछ करके दिखा रहा हूँ तो 30% है. 50% है अगर आप शामिल हैं गुफ्तगू में, तभी मैं कहता हूँ कीबोर्ड पे चलाए जरा हाथ, उंगलियां चलाए ताकि आप साथ शामिल हो, अपनी लर्निंग को पैसिव नहीं एक्टिव बनाए. इसी तरीके से अगर प्रैक्टिस आप लोगों से करा रहे हैं तो 75% रिटेंशन है, एंड 90% इज जब आप उसी बात को सिखाना शुरू कर दें, उसी बात को फर्दर करना शुरू कर दें. सो इसीलिए एक्टिव लर्निंग हम पुश करते हैं, और उसका प्रैक्टिस डूइंग तो तुम्हें नजर आ रहा है ना. बेसिकली क्या है कि आपने एक स्किल सिखाई है, मैंने लेट्स से कस्टमर सर्विस एजेंट्स एक कंपनी के, उनको मैंने लिसनिंग सिखाई है कि कस्टमर की बात सुननी कैसे है, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाई है कि जब कस्टमर मसाइल बताए तो आपने जवाब कैसे देना है कि उसको बुरा ना लगे. आप बाज मरतबा हल नहीं भी कर सकते, लेकिन आप उसको सेम्बलेंस के साथ हैंडल करें और कस्टमर खुश होके वापस जाए. अब ये मैंने बातों में तो बता दिया, मॉडल भी दिखा दिया ऐसे, लेकिन जब तक मैं उनको ये काम करवाऊंगा नहीं, जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो उस लर्निंग को लेके नहीं जाएंगे अपने साथ, बहुत ही छोटे मोटे से लेके जाएंगे. अगर आप भी अपनी जिंदगी में सोचें तो आप तजुर्बात के बारे में जितने मजे से चीजें बताएंगे ना, पूरी कहानी सुना देंगे. आप 16 साल तालीम गुजार चुके हैं, आप कितनी कम बार बता सकते हैं उसमें से. Are you getting it? So that's why we push for involvement. इसको मैं चार लेंस से ऐसे में बताता हूँ कि तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा इमोशन, तुम्हारा माइंड और तुम्हारी रूह शामिल होना चाहिए. ये इंगेजमेंट है 100%. मेरा जिस्म भी है, मेरे जज्बात भी वही कह रहे हैं, मेरा दिमाग भी वही सोच रहा है, और मुझे रूहानी तौर पे भी ये फीलिंग है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ. सो दैट इज यू नो, सो देयरफॉर बॉडी, इमोशन, माइंड एंड द स्पिरिट, इन्वॉल्विंग देम कैन मेक अ बिग डिफरेंस. सो यस, गेट पीपल टू वर्क, एंड नंबर टू, इन्वॉल्व देम इन ऑल दीज डायमेंशंस. इट विल इम्पैक्ट नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कि वो कहते हुए निकलेंगे, बल्कि वो करना शुरू कर देंगे. सही, ठीक है. उमैद, दूसरा जो सवाल था इसी के साथ कि जब हम बात कर रहे हैं अपने से डबल एज में कोई है, एक्सपीरियंस में भी डबल है, एंड समहाउ एक तो ये कि हम अब हम उनको ट्रेनिंग करवाने गए हैं,
So how we can Okay. connect? How you can connect with the audience, any audience? With the audience who has who जो आपकी एज से डबल है उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है ठीक है ना, और वो शायद आपको अथॉरिटी मानना भी नहीं चाह रही, तो हाउ वी कैन रिलेट टू दैट और फिर हम उनसे एक अच्छी गुफ्तगू तो बनाए कि ना ना हम बने ना उनको अथॉरिटी, आप ट्रेनर हैं, आप क्यों अथॉरिटी बन रहे हैं? नहीं अथॉरिटी आप तो एक नहीं, मॉ अथॉरिटी तो नहीं बन, अथॉरिटी नहीं है आप ट्रेनर हैं। ठीक है अथॉरिटी वो है जिसने किताब लिखी है, अथॉरिटी सही वो है जो रिसर्च कर रहा है। पाकिस्तान में ठीक है अथॉरिटी नहीं है, कम अथॉरिटी है, लेट्स पुट इट दैट वे, समझ रहे हैं? सो मैं अथॉरिटी नहीं सही हूं यार, मैं नहीं ये प्रिटेंड करूंगा, मैं नहीं ये जाके कहूंगा कि मैं अथॉरिटी हूँ सब्जेक्ट में। मैं जाके कहता हूँ मैं 10 साल से ये कर रहा हूँ, मैं 6 साल से ये कर रहा हूँ, मैं 4 साल से कर रहा हूँ, उस वक्त से साल गिनवाता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ऑडियंस सालों को रिस्पेक्ट करती है, मेरे दिमाग में सालों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आप बाज मरतबा 5 साल में ज्यादा तजुर्बात लेते हैं और 50 साल में कम लेते हैं, लेकिन मेरी ऑडियंस के लिए वैल्यू है, सो आई वैल्यू दैट। आई टेल देम माई ऑडियंस वैल्यूज की डिग्री क्या है, कहाँ से आया है, किस यूनिवर्सिटी से आया है। तो मैं होशियार नहीं बनता मैं, और सही मैं ट्रूली वैल्यू करता हूँ अपनी डिग्री को और अपनी एजुकेशन को, और जो बकवास करते हैं आई आई डिसमिस दैट। आई डोंट थिंक दैट यूनिवर्सिटी स्कूल्स कॉलेजेस डू सच अ हॉरिबल जॉब एज दे आर प्रिटेंड एज वी प्रिटेंड देम टू बी डूइंग। नंबर 3, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट अनकंडीशनल, राइट दिस डाउन, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, अनकंडीशनल। कोई आपको सलाम नहीं मारे कि आप उसके लिए अच्छे हो गए, कोई आपकी वाहवाह नहीं कर रहा ट्रेनिंग में कि आप अच्छे हो गए, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर रहा, अनकंडीशनली आप पॉजिटिव रिगार्ड रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान है यार, सही वो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। और मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं पता मुझे वाकई नहीं पता कि उसका क्या मुकाम है अल्लाह की नजर में यार। सही तो रिस्पेक्ट क्या है कि मेरे सामने, और रिस्पेक्ट मैं खास तौर पे आपको यहाँ पे पैगाम किया, रिस्पेक्ट हम सीईओ को तो दे देंगे, डायरेक्टर को दे देंगे, एचआर को दे देंगे, उससे तो आपके पास काम आ रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है? आपकी रिस्पेक्ट शो होगी जैसे आप होटल स्टाफ को ट्रीट करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट शो होगी जैसे आप उस इदारे के हेल्पर जो आपके साथ लगे हुए उनको ट्रीट करेंगे। और अगर आप ये शो कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, तो आप बाजी जीत जाते हैं। सही जो बंदा कर रहा है ना, मेरी बॉस जो है ना, वो बड़े बड़े एयरपोर्ट पे यूं पकड़ के कचरा उठाती थी और सड़ी हुई शक्ल बनाती थी, शीरीन नकवी। कोई जी ऐसे बंदे के साथ लड़ाई तो करके दिखाए, जो मिसाल कायम करता है उसके साथ लड़ाई नहीं होती। तो जो आप ख्यालात सही दे रहे हैं उनके जीने वाले बने, जिस भी अंदाज में बनते हैं। नंबर 4, मेथड्स इस्तेमाल करें सही इंस्टेड ऑफ, और आज के दौर में तो हो ही गया है ना कि आप कम ट्रेनर हो ज्यादा फैसिलिटेटर हो, राइट? लोग जानते हैं, लोग इतनी चीजें भी देख रहे हैं। लोगों का प्रॉब्लम मजीद नॉलेज नहीं है, लोगों का प्रॉब्लम नॉलेज की प्रोसेसिंग है, उसको एप्लीकेशन में डालना है। तो बनाए ऐसा मेथड कि आप 15-20 मिनट, जिसना फराद भाई करते हैं, इज अ वंडरफुल ट्रेनर, ही टाइम्स इट कि मैं ये 15 मिनट कराऊंगा, 20 मिनट कराऊंगा, फिर 40 मिनट, पूरा जिसना लर्निंग प्लान होना चाहिए। एंड इन दैट यू आर एबल टू मैनेज द एनर्जी लेवल्स, यू आर एबल टू मैनेज डायलॉग। लोग बोल रहे हैं, लोग मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ वो भूल जाएंगे कि आप एग्जिस्ट करते हैं। उमेर यू एक कैन, सवाल यू नो, आया इमेजिन दिस कि एज अ लर्निंग एजेंट, और ये बर्तानिया वाले फैसिलिटेटर्स हमारे साथ करते थे कि वो ऐसी गुफ्तगू छिड़वा देते थे और साइड पे चले जाते थे। अब लोग लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। हा, इसके लिए बड़ा जर्फ चाहिए सर। इसके लिए लर्निंग से प्यार चाहिए कि लोग बात सीखे ना, जरूरत तो नहीं कि मैं बोलूं तो वो सीखे। सही। अच्छा उमेर ये एक सवाल है वकास का, ये दूसरे वॉच पार्टी पे हमें देखने, तो वहां पे से मैंने सवाल लिया, तो ही इज आस्किंग के आप इज इट रीडेबल, इट इंटेग्रिटी ट्रेंड नहीं है, इंटेग्रिटी प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल ट्रेंडी नहीं होता, प्रिंसिपल टाइमलेस होता है। इंटेग्रिटी उस वक्त भी वैल्यूड थी, आज भी वैल्यूड है, और हर दौर में वैल्यूड होगी। देयर इज दैट्स द केस विद प्रिंसिपल्स। जिस तरह प्यार है, प्यार कहते हैं ना, लव इज द ओनली कॉन्स्टेंट, ओके, प्यार हमेशा रहता है, दैट्स द कॉन्स्टेंट। सो
प्रिंसिपल्स तब्दील नहीं होते। अलबत्ता मैं आपकी बात को समझता हूँ। अब जो प्लीज इफ यू कैन पुट आउट द क्वेश्चन अगेन। खामोशी से नेकी करना है, दे मी रिप्लेस विद कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन स्किल्स, बीइंग आउटस्पोकन एंड ऑल। देखें, शिफ्ट है पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ और ज्यादा स्ट्रांगली है, और इसकी प्लेन वजह जो है ना, वो बड़ी स्ट्रांग वजह जो है ना, वो सोशल मीडिया है। बिकॉज सोशल मीडिया हैज गॉटन अस ऑल टू बिकम ब्रॉडकास्टर्स टू शेयर आवर ओपिनियंस। वी हैव एंटर्ड अ डिफरेंट, आप समझे, इंसानियत जो है ना एक अलग दौर में दाखिल हुई है इस टेक्नोलॉजी और इस और क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसने कारोबार को भी बदला है और उसने हमारी जिंदगियों को भी बदला है, और एंड चेंज फॉर गुड। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट्स ऑफ इट आर नॉट अगेंस्ट इंटेग्रिटी। अगर उमेर ने एक कोर्स किया है और अपने सोशल मीडिया पर लगाया है, तो वो इंटेग्रिटी की वायलेशन तो नहीं है, वो ईगो कॉल नहीं है। और जो आपने बातें लिखी हैं, मैं तो इन तमाम में एंड लगा देता हूँ कि इंटेग्रिटी, हायर वैल्यूज, खामोशी से नेकी करो, कॉन्फिडेंट हो, प्रेजेंटेशन स्किल्स हो, आउटस्पोकन हो, ये सारे काम एक साथ हो सकते हैं। इनमें कोई तजाद नहीं है आपस के अंदर। लेकिन अगर सवाल ये है कि लोग उसूल छोड़ के वाहवाह की तरफ चले गए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा जरूर हुआ है। अच्छा उमैद, ये आपकी और वाली बात से मुझे एक चीज़ याद आई, जो कि हमें, मुझे शीरी आपा से एक दफ़ा वन टू वन मीटिंग थी, तो उसमें उन्होंने ये सिखाया। अच्छा, मेरे साथ मेरे बहुत बड़े प्रॉब्लम रहे माजी में ना, कि मैं या रखता था दो चीज़ों के बीच में, या तो ये होगा या तो वो होगा। तो उन्होंने कहा, नहीं, ये तुम या के चक्कर में क्या पड़ गए, तुम और डाल दो, तुम बोलो ये भी होगा और ये भी होगा। तो इस माइंड सेट पर थोड़ी सी बात कीजिए कि ये why we choose only one path, यानी ये दो चीजें भी तो हो सकती है ना, तो मैं एक ही चीज की तरफ क्यों, यानी जैसे आपको ही ले लें तो आप सिर्फ कॉर्पोरेट पे नहीं, आपने बोला मैं कॉर्पोरेट भी करूंगा, यूथ भी करूंगा, एंड आई विल फेस द चैलेंजेस जो दोनों साइड पे मुझे आएंगे। तो ये वाला माइंडसेट हम कैसे डेवलप करें कि यार दोनों भी तो हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। जी सर, दिस कम्स फ्रॉम जिम कॉलिंस। जिम कॉलिंस ने कहा था ना कि एंड और का जो जीनियस जीनियस ऑफ द एंड 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 टायरनी ऑफ द और, जीनियस ऑफ द एंड एंड टायरनी ऑफ द और, दिस वाज जिम कॉलिंस रिसर्च अबाउट ग्रेट कंपनीज। उसने कहा था कि ग्रेट कंपनीज जो है वो और लगाने के बजाय एंड लगाती हैं, और फर्क सिर्फ ये है कि अगर मैं और से बातचीत शुरू करता हूँ, अप्रोच है ना, एक तो थिंकिंग में लैंग्वेज ड्राइव करती है, नंबर टू आप देखें ना सवाल कैसा बना कि बेटा आज तुम कैसे इसको पुट अप करें कि आज मैं गेम खेलूंगा या पढ़ाई करूंगा, मैं म्यूजिक सुनूं या मैं पढ़ाई करूं, इस सवाल में ये इम्प्लाइड है कि ये काम साथ नहीं हो सकते। कौन कह रहा है? Who told you they can't happen together? That's where you have given yourself a belief which is a limiting belief. That's where you will sabotage your own possibilities. क्योंकि तुम्हारे दिमाग में था कि मैं तो यार ये कर सकता था, ये कर सकता था। सो मैं इतने लोगों को अपने देखा, नौजवानों को और अपने उस्तादों को, क्योंकि आप जो सीख करते हैं ना, आपको वो नजर भी आता है फिर। What you seek is what you're seeing. जो और वाले लोग ढूंढ रहे हैं ना, उन्हें पार्टी है, याशी नजर आ रही है कि देखो उसने भी बस ये किया। मैंने एंड वाले देखे तो मुझे ऐसे लोग नजर आए, वो पांच बिजनेसेस चला रहे हैं। मैंने ऐसे लोग देखे जो 55 साल के होके महीने में 15 दिन जाके डिलीवर करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स 10 मुख्तलिफ शहरों गांव में। सही। मैंने जब लुकअप करना शुरू किया तो 80 साल की खातून पहाड़ चढ़ने चली जाती है। आर यू गेटिंग इट? यस। देयर इज अ लॉट पॉसिबल एंड देयर इज अ लॉट पॉसिबल टुगेदर एज वेल। हाउएवर, अब मैं इसमें डिस्क्लेमर देता हूँ साथ कि मैं कतई इस बात में बिलीव नहीं करता कि आपको भागते रहना चाहिए और बहुत कुछ बनाना चाहिए। आपको एक बहुत ही पर्पसफुल जिंदगी जीनी चाहिए, इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए, और इस बारे में फेटिश ना हो कि कितने दिन हुए और कितने नंबर्स हुए, दैट इज नॉट टू बी रियली रियली बॉदर्ड बाय। लेकिन जरूर अपने आप से ये पूछें कि एंड कहाँ कहाँ लग सकता है। मैंने एंड पता है और कहाँ कहाँ लगाया? इतना टाइम मैं सड़क पे टैक्सी में गुजारता था, सारे टाइम फोन पे लगता था, ब्लूटूथ लगा के फोन पे बातचीत हो रही है, एंड शीशा करता था 5 साल, 3 घंटे बैठ के शीशा होता था में, तो 6 से 9 एंड
शीशे के साथ, इतनी मीटिंग्स, इतने फंड रेजिंग, इतने प्रपोजल्स, डॉक्यूमेंट्स, जो ऑफिस वालों के साथ टाइम नहीं लगा सकता था वो लगा देता था. सो एंड में पावर है, और पावर में ये नहीं कह रहा कि दोनों जरूर हो जाएंगे, लेकिन इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू ट्राई प्लेसिंग बोथ योर अल्टरनेटिव्स इन द सेम लाइन, अनलेस दे हैपन टू बी वुमेन और मैन, एंड यू से कि मैं या तो ये इनसे शादी करूंगी या इनसे नहीं, मैं तो इस सिचुएशन के अलावा बाकी बहुत सिचुएशन पे आप ये मिला के कम अज कम सोच तो सकते हैं ना. हाई जुनेद. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम उमर, एंड वालेकुम सलाम उमर, क्या हाल है, आप खैरियत से हैं दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. वेरी वेल, थैंक यू. अच्छा, बड़ा जबरदस्त किस्म का लाइव सेशन आपका चल रहा था, मुझे तो पता नहीं था आज जिसने आपको इनवाइट किया हुआ है, वो नोटिफिकेशन आया, मैंने जस्ट उसको क्लिक करा, तो फिर मैंने कहा एक दो क्वेश्चन है वो डाल दिए जाए. एक क्वेश्चन मुझे आपसे ये करना है कि जो प्रेजेंटेशन के लिए लोगों को तैयार कराया जाता है, या अगर हम कहें कि इनिशियल लेवल पे पब्लिक स्पीकिंग वगैरह के लिए या स्टेज प्रेजेंटेशन के लिए हम बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है जो हमारे सामने आता है, वो होता है फियर फैक्टर. लोगों को फियर बहुत ज्यादा होता है, यानी जो यंग जनरेशन होती है उससे अगर हम उसको तैयार कर रहे हैं तो उनके अंदर फियर बहुत होता है, सर मैं चार लोगों के सामने बात नहीं कर सकता. तो उस फियर फैक्टर को हम किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं, एक मेरा क्वेश्चन ये है. तो सेकंड क्वेश्चन इज ये कि कंसंट्रेशन के लिए आप कह रहे थे कि मेडिटेशन जो है ना वो जरूरी होती है, अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे तो कुछ मेडिटेशन के एक तो अगर कॉमन तरीकेकार जो हम लोगों को गाइड कर सके. थैंक यू जुनेद फॉर आस्किंग योर क्वेश्चन. दूसरा सवाल पहले कर लेते हैं. मेडिटेशन के लिए तो बहुत सारी एप्स अवेलेबल है, एंड आई वुड रेकमेंड यू हेडस्पेस, इट्स अ ब्यूटीफुल ऐप. उसमें बहुत सारे आपको ऑन द गो मेडिटेशन मिल जाएंगे, सोने के लिए आप वॉक कर रहे हैं तो जरूर. जो लोग नहीं जानते, बेसिकली मेडिटेशन कोई भी वो चीज हो सकती है जो कि आपके दिमाग को जो आपकी करंट में से उससे हटा के किसी और चीज पे ला के फोकस कर सके, और अगर आइडियली आप इसमें स्पेस क्रिएट कर सके कि आप कुछ ना सोच रहे हो और सुकून में हो. Isn't that nirvana? Yes. लेकिन तरीके बेशुमार हैं, तरीके बेशुमार हैं. मुसल्ला भी तरीका है, योगा भी तरीका है, मेडिटेशन भी तरीका है, स्पोर्ट्स भी तरीका है, काम भी तरीका है, अच्छी रिलेशनशिप भी तरीका है, थेरेपी भी तरीका है. उसमें जानना ये है कि तुम्हें इस वक्त किस चीज की जरूरत है. तो इस पे जनरली लोग ये कहते हैं क्योंकि हमारी दुनिया में इतना शोर है, टीवी है, रेडियो है, इतने अभी देखो लाइव तुम खोलोगे पांच और लोग या, तो आज के दौर में तो ब्रेक लेना और पॉज लेना जरूरी हो गया, समझ रहे हो? Yes. वरना तुम अपने टॉक्सिक उसी से सारी चीजें प्रोसेस कर रहे हो. सो यूज एनीथिंग दैट वर्क्स फॉर यू. लेकिन दिन में जुनेद 20-25 मिनट ऐसे हैं जहां तुम किसी और से नहीं बल्कि अपने दिमाग को फोकस मिला रहे हो. अब उसमें ऐसे भी तुम्हें नरेशंस मिलेंगे, ऐसे भी गाइड्स मिलेंगे जो कि तुम्हारी टॉक्सिक थॉट को खत्म करा सकते हैं, तुम्हें ग्रेटिट्यूड सिखा सकते हैं. मैं तुम्हारे साथ अभी रन कर सकता हूँ, मेडिटेशन को मुश्किल नहीं है, तुम अपने साथ रन कर सकते हो. ओके, और हजारों पड़ी हुई है, लुकअप करो और ईयर प्लग लगा और शुरू हो जाए. ये नहीं सोच के रोजाना करूंगा, 5 मिनट करूंगा, कैलेंडर पे लगाऊं, पूरा डाउनलोड करूं. नो, गेट इनटू एक्शन. जो लग जाए, चलना शुरू हो जाए, उसको अपना लो, वो तुम्हारे लिए है. हर चीज हर किसी के लिए नहीं है. पहला सवाल आपका क्या था, सॉरी, सिर्फ मुझे उसका रिमाइंडर दे दो. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे ये किया था कि हम फियर, राइट? यस यस यस. ओके, प्रेजेंटेशन में फियर. सो फियर इज प्रेजेंटेशन स्किल्स का जो फियर है ना, वो एक यूनिवर्सल फियर है, और इतना यूनिवर्सल फियर है कि फियर रिसर्च ये कहती है कि शायद ईसाइयों में जब कोई मर जाता है तो उस पर तकरीर करते हैं ना, तो कहते हैं कि लोग जो है ज्यादातर जो उस कमरे में मौजूद होते हैं वो तकरीर करने वाले के बजाय मरना पसंद करें, उस कॉफिन में होना पसंद करें. दैट मीन्स द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग tops the fear of death. Yes. Tops the fear of death. So if you face that fear, Junaid, kandhe seedhe karo. Kandhe seedhe karo. Yeah, zara gehri saans lo. Ab bolo ye karte rahe to bade badon ki pack hui hai. Okay. Lekin main lagaunga zarur. अब अपने दिमाग में ये भी सोच लो कि व्हाट इज द वर्स्ट दैट विल हैपन, व्हाट इज द वर्स्ट दैट विल हैपन. बेइज्जती हो जाएगी,
क्या वैसे लोग, कौन सी लोगों की इज्जत मैटर करती है? आई डोंट थिंक मैटर करती है इन द लॉन्ग रन. उस ये इस तरह वाली इज्जत की मैं बात कर रहा हूँ, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने, तो चला गया ना बात. थोड़े बड़े हो जाओ, तुम बड़े इंसान हो, तुम जो हो वो तुम्हें मालूम है ना, राइट? किसी और का कमेंट, किसी और का कुछ कहना तुम्हें ना हिलाए. लेकिन मानो कि ये नेचुरल है, ये ज्यादातर लोग फेस करते हैं. अब इससे ओवरकम कैसे करना है ये सवाल. सो एक तो ये फियर ऑफ स्विमिंग है, व्हाट शुड यू डू? तैरना पड़ेगा. कहाँ तैरेंगे? पहले दिन आप चलेगा आप अरेबियन सी. We are going to take a risk today. Where are you going to swim first? Okay, pool mein. Pool mein, right? Find a pool for public speaking. Find a little pool which has your comfort people and get going. Main toh pehli training, my first training was Kharpur 2005, 7 Habits of Highly Effective Teens. Train ride to Kharpur. I did 80 sessions in that year, darling. Aur maine sessions सेशंस तो चले, आप मुझे ट्रेनिंग से जानते हैं. मैं आपको अपने काम की मिसाल देता हूँ. मैं काम पे आया तो फोन उठा के बेचना होता था और हमसे बेचा नहीं जाता था. बिल्कुल अंग्रेजी लिखना आती थी, बोलना नहीं आती थी. सो अब मेरे सामने लिस्ट थी, उस पर कंपनीज थी, यूनिलीवर, FFC, यूफो, टॉप नॉच ब्रांड. अब उनसे स्पॉन्सरशिप लेनी है तो मैंने तो कभी नहीं किया था. तो मुझे नदीम ने कहा तू ये लिस्ट छोड़ दे. तो मैंने एक दूसरी लिस्ट बनाई. वो बड़ी देसी लिस्ट थी. वो ऐसी लिस्ट थी कि वो मुझे मेरी बेइज्जती भी कर देना, ना उसको याद रहना, ना मुझे याद रहना, ना मुझे बुरा फील होना, ना उसे बुरा फील होना. होते हैं ना ऐसे कुछ लोग. प्रैक्टिस प्रैक्टिस देयर. सो आई वुड कॉल अप एंड दीज वर लोकल कंपनीज. डिडंट डू अ लॉट ऑफ स्पॉन्सरशिप्स बैक देन. डिडंट अंडरस्टैंड आवर यूथ लीडरशिप वर्क. एंड यू ओनली हैड सम कंपनीज दैट हैड द CSR. लेकिन बॉस पिच तो रिहर्स हो जाती थी ना. अब तो वीडियो बन सकती है. वीडियो ऑन करो, बोलो 10 मर्तबा, बोलो 12 मर्तबा, बोलो, फिर जाके बोल देना मनसब पे अपने मैदान में. टेड टॉक रिहर्स्ड होती है, टेड टॉक मेमोराइज्ड होती है, टेड टॉक हाईली एडिटेड होती है, तभी वो टेड टॉक होती है. समझ रहे हैं? तो ये अपने अंदर डाल दें. यू विल नेवर गेट इट राइट द फर्स्ट टाइम. लास्टली एक और बहुत प्रैक्टिकल सजेशन है इस फियर को खत्म करने के लिए, कि कुछ दिलेर लोगों के साथ घूमे. दिलेर होंगे ना तो वो आपको फेंकेंगे भी, आपको लेके भी जाएंगे. कंपनी से बड़ा फर्क पड़ता है इन व्हाट यू बिकम एंड द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू वुड टेक अप. आई हैव बिकॉज ऑफ स्कूल ऑफ लीडरशिप एंड टॉर्क्स ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, इतने सारे लोग कूद पड़े पब्लिक स्पीकिंग में कि अगर उन्हें कुछ नहीं भी आता था, हम हंसते भी थे कि अगर कोई कॉन्टेंट नहीं भी पता ना तो कॉन्फिडेंस है टू स्पीक. And that was remarkable to see. Ayaz, आप अगर हमें सुन सकते हैं तो आप अपना सवाल रख दीजिए. Ayaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum sir. Waalaikum Ayaz. Hello. Ayaz, खामोशी में सवाल पूछ रहे हैं. अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट उमेर ऐड करना चाहूंगा. जी प्लीज. देखें, इसमें आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, तो हम अपने स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको जो ये फेयर फैक्टर वाली गाइडलाइन आपने दी है, तो वो फिर हम उनको इसी तरह से इनिशियल स्टेजेस से यही चीज समझाना शुरू करें ना. देखिए, जैसे 9 10 या जैसे छोटे बच्चे हैं ना, 9K 10K फर्स्ट ईयर के. आप स्टूडेंट्स हैं, आप डू यू टीच देम? यस, आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन. Okay, I will give you very practical things that a teacher can do in the classroom to develop confidence. Okay, encourage participation. जो सिखाना है सवालात 3-4 तो बना ही लेना और जाके फेंके सवालात, ठीक है? और इनवाइट करें कि हर तरह का जवाब है और कतई टीचर नहीं बनिएगा उस वक्त. हाँ, ये वाला बच्चा जो बात करता छोड़ दें, ताकि आपके सारे स्टूडेंट्स बोले, हर तरह की बात बोले. बोलने दें, पहले कलाम होता है फिर इसला होती है. आप कॉन्फिडेंस मार देंगे अगर उसको ये सोचना पड़ रहा है कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा. आपने उसको बोलने पे लाना है. ओके, नंबर वन दैट. नंबर टू, पार्टिसिपेशन जब आपने ऑन करा दी तो अब आपके स्टूडेंट्स वैसे ही बोल रहे हैं. जो नहीं बोल रहे उनको पकड़ने, लेकिन उनको मुश्किल सवालों से नहीं, उनको आसान सवालों से पकड़े. उनको उनको इनकरेज करें कि वो छोटी सी बात कर दें. आपने जो बात की है वही बात दोहरा दें, ताकि जो नहीं भी बोल रहे वो बोलना शुरू हो जाए.
ओके. नंबर थ्री, यूज क्लास प्रेजेंटेशंस. व्हाट इज योर क्लास पीरियड टाइम? अराउंड 45 to 50 मिनट्स. 45 मिनट्स. हैव थ्री क्लासेस डेडिकेटेड टू प्रेजेंटेशंस, 2 to 2 मिनट्स. And make them fun and give every student a gift at the end of it. I know such things are discouraged because, and they're discouraged अगर आप इसको मुसलसल करते रहे. लेकिन जब आपके पास हमारी जैसी आबादी है जो कि perhaps इतनी parenting इतनी conscious नहीं होती, sometimes upbringing ऐसी नहीं होती, मजाक में ऐसी बातें कर देते हैं. हमारे तो बड़े बड़े influencers बैठ के रात को ले रहे होते हैं लोगों की. That's the culture that we are. Yes. So, जब इस कल्चर से लोग आते हैं या जब इतना ज्यादा टॉक्सिक नेगेटिव देखा हुआ होता है तो थोड़ा पॉजिटिव पुश बहुत अच्छा होता है. सो यू कैन डू सम प्रेजेंटेशंस दैट विल बी द प्रैक्टिस. नंबर फोर, चैलेंज योर स्टूडेंट्स टू पुट आउट समथिंग ऑन देयर सोशल मीडिया एंड गेट देम टू डू इट रेगुलरली. जस्ट डू समथिंग. ये चार चीजें जो मैंने बताई है ना, आप इस तरह का कुछ छोटी छोटी करके उसको करें फॉर 3 मंथ्स. एंड व्हाई आई एम सेइंग 3 मंथ्स, बिकॉज देयर इज अ टाइम फॉर दिस टू रिवाइव, राइट? And usually they say it's a month, but skill development they say takes longer. और जब तक skill ऐसी बन जाए ना कि बच्चे को मजा आना शुरू हो जाए, तब तक वो भागता ही रहता है, जबरदस्ती करता है. जब चस्का लग जाता है ना, अब आपने चस्का लगाना है तो सही गलत छोड़ें, पार्टिसिपेशन कराएं, इनकरेज करें, एक्टिविटीज दें, प्रेजेंटेशन दें और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें. इंशाल्लाह यू विल सी कि जो बिल्कुल नहीं. I have 3 people sitting on TV right now who came to us and could not speak a word. They are sitting on TV right now. Great. लेकिन मेरे उस्ताद ऐसे थे और हैं कि उन्होंने कभी नाम लेके उसको सामने ये है वो देखेंगे नहीं बोल सकते, आज बोल रहे हैं. लेकिन मैं आपको मिसाल में बता रहा हूँ कि मुमकिन है, स्किल है स्पीकिंग, आप सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं इस अंदाज में. थैंक यू यासिर फॉर ज्वाइनिंग. गुड टू सी यू. अस्सलाम वालेकुम. और भाई कैसे? बोलते दोनों उमेर से कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. यस, अच्छे. सो नाइस टू सी यू. सो नाइस टू यू उमर भाई. एक एक क्वेश्चन है मेरा भी कि जो इतना ज्यादा चेंज आ गया है आपका ओवरऑल कोविड की वजह से, तो हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ ट्रेनिंग्स नाउ? क्या होगा, हम सब वर्चुअल ट्रेनिंग्स पे मूव हो जाएंगे या अभी भी होंगी फिजिकल? क्योंकि तो आप थोड़ा इन टच है कॉर्पोरेट सेक्टर से और लोगों से की पल्स को देखते हैं. Nobody knows is the truth. Nobody knows is the truth. This is the real VUCA, Yasir bhai. This is when we don't know a situation that we have never seen, and we don't know when do we get out of it, and we don't know when we get out of it what is it gonna be like. Because right now we are just facing the pandemic hit hua hai na, abhi to aap response mein, phir recovery mein jayenge, phir rehabilitation में जाएंगे, उसमें economic downturns है. So, but I want you to know that I don't know the answer. What my 2 bits on this is, and जो मुझे trend नजर आ रहा है, उसमें A, never think that classroom training or one-on-one coaching or whenever human beings can get together in the form of a conference or an event will go away. It just can't. It just can't. However, it will be cut to size. अभी हम हर चीज के लिए मीटिंग करते थे ना यार. मैं पागल हो जाता था. दिन में सिर्फ 3 मीटिंग होती थी कराची में, शाहबाद में 5 होती हैं, कराची में 3 होती थी. क्यों? इतने फासले पे. मैंने कोरोना के अंदर 10 मीटिंग्स की है एक दिन में. नाउ अप्लाई द सेम टू ट्रेनिंग्स, राइट? नाउ ट्रेनिंग्स अलॉट विल बी डिलीवर्ड डिजिटली, दैट्स द रियलिटी. दैट मीन्स देयर इज लेसर वॉल्यूम. Number two, businesses are not making a lot of money. That means there is lesser money. And lesser money means there is very less investment in the training work. So that's going to be the hit. Number three, during this time, your and my dear fraternity would have had so much content out that it's going to take 5 years for the Pakistani market to see it. Hence, the training business, the volume of it will definitely go down and go down significantly. However, that doesn't mean Yasir or Umair Malik Awan or anybody else will be out of livelihood. So, risk to aana hai na.
यस रिस्क जो आपका है वो आना है। अब आपने वेज ढूंढने हैं, याद रखिएगा जब कोई चीज खत्म होती है तो कोई और जन्म लेती है, जो चीज जन्म ले रही है उस पे आ जाए। शायद मुस्तकबिल का पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेनर वो होगा जिसकी 2 मिनट की 1000 वीडियोस होंगी लीडरशिप पे। ये मैं अपने पिछले सेशन से इंटरप्रेट करके बता रहा हूँ, ओके, बट द आंसर इज दैट नोबडी नोज। वॉच द ट्रेंड एंड वट एवर ट्रेंड यू कैन लर्न इन दिस टाइम, प्लीज लर्न इट, बिकॉज राइट नाउ वट एवर यू डू विल नॉट बी द परमानेंट थिंग, राइट? इट इज यू टेस्टिंग इट आउट। सो इस वक्त तो मैंने तो टेस्ट लूप चलाए हुए, एक टेस्ट लूप टॉर्क का चल रहा है, इसका मॉडल क्या बनेगा, एक क्वारंटीन सीरीज चल रही है, इससे पब्लिकेशन निकाल लेंगे मीडिया का, अब एक टेस्ट लूप दास्तान है इस टाइप प्रोग्राम्स का है। सो आई एम टेस्टिंग एंड आई वांट टू सी व्हाट व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट वर्क, बट वी मस्ट कम टुगेदर आफ्टर अ व्हाइल एंड रिफ्लेक्ट टू गैदर आवर लर्निंग्स। क्लाइंट्स ये जरूर कह रहे हैं, जो मैं क्लाइंट्स के अब आपको अल्फाज आखिर में बता दूं, नंबर वन दे से के यार वी हैव टू वर्क ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स एंड वर्क ऑन देम राइट अवे, सच एज रिमोट मैनेजमेंट, सच एज ऑल द यू नो कोविड से आप टीम कैसे चला सकते हैं, आप समझ नहीं आ सकते। Exactly. ये सारी वो स्किल्स हैं जिसका कंटेंट अभी किसी के पास नहीं है। आप बना ले तू जी छा जाओगे, अगले महीने 10 ट्रेनिंग लिखी हुई है, ओके। सो जब आप समझ रहे हैं, जब मेला लगता है ना तो आप एक छोटी दुकान लगाते हैं और उसमें आप वो करते हैं जो मेले के लिए चाहिए होते हैं, आज के वक्त के लिए, इस टाइम के लिए जो चाहिए। नंबर वन दैट, नंबर टू पॉजिटिविटी, मोटिवेशनल ट्रेनिंग, इंस्पिरेशनल प्रोग्राम्स आर अगेन गोना गो हाई। व्हाई? बिकॉज़ डिफिकल्ट टाइम्स चेंज नीड्स दैट। नंबर थ्री चेंज मैनेजमेंट, चेंज कंसल्टिंग दैट इज देयर। सो लेकिन अगर आप कहें कि यार कोविड से निकल के कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स, प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे, दैट इज नॉट हैपनिंग। ट्रू सही। और मैं लास्ट एक बस बस इतना ही पता है, इससे ज्यादा समझ नहीं आ रहा कुछ। अच्छा लास्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो है ना वो हमारी वो भी हमारी भी एक जो है ना वो चल रहा है एक्सपेरिमेंट एडिफायर टॉक्स वाला, तो आपको उस पे इनवाइट करेंगे, आप प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। व्हाई नॉट आई वुड लव टू। थैंक यू सो मच। थैंक यू उमर भाई, आपका भी थैंक यू, उमर मलिक आपका भी थैंक यू। अच्छा उमर, मैं चाहूंगा बस, आपका काफी टाइम हो गया, आपके पास एक कुछ टाइम और हो तो एक मैं पर्सनल बड़ा मेरा मेरे लिए बड़ा पर्सनल सवाल है वो, और मैं चाहूंगा सब लोगों को भी उसका आंसर मिले इस लाइव उससे। तो बेसिकली व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग, उनको सीखना शुरू किया और पहले पहले नंबर गेम था कि वो जाओ और 100 बच्चों के दरमियान जो है ना वो 2 घंटे का सेशन करना। तो एक साल ऐसा भी आया कि मैंने 1500 बच्चों का सेशन किया, मतलब पूरे साल में। बट व्हेन आई रियलाइज कि यार इससे शायद वो इम्पेक्ट नहीं आ रहा, फिर मैं कोचिंग की साइड पर आया। सुलेमान भाई ने मुझे कोचिंग सिखा भी रहे, मेरी कोचिंग कर भी रहे सुलेमान अहमद, तो मुझे नज़र आया कि वहाँ पे इम्पेक्ट ज़्यादा है। ये तो चले मेरा केस हो गया, उमैर मलिक का केस हो गया, लेकिन इन जनरल अगर हम ट्रेनिंग की बात करते हैं और उसमें लोगों पर इम्पेक्ट की बात करते हैं, तो क्या 300 लोगों की, 500 लोगों की कॉन्फ्रेंस में वो इम्पैक्ट, यानी ऑडियंस साइज क्या होना चाहिए? क्या वो 30 लोगों की ट्रेनिंग हो, क्या वो 1-to-1 कोचिंग हो? डिपेंड्स ऑन द ट्रेनिंग, डिपेंड्स ऑन द ट्रेनिंग। हाउ मेनी वुड यू लाइक इन अ मोटिवेशनल प्रोग्राम? द आंसर इज एज मेनी एज यू कैन गेट। फिल द हॉल, लेट पीपल बी स्टैंडिंग, लेट पीपल बी लाइव, व्हाई? बिकॉज़ दे नीड टू ग्रो इट आउट, दैट्स द प्रोग्राम, राइट? कंपनी लॉन्च है ना, कंपनी वाइड लॉन्च हो रहा है, उसके लिए वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, अपनी नई चीजें ला रहे हैं, इज्तिमा रायवंड, ओके, सो यू नीड दैट, उसका मकसद है। लेकिन रायवंड आपको शरीयत तो नहीं सिखा देता, रायवंड आपको दावत देता है, ठीक है, फिर आपको प्रोसेस पे डालता है, यही है, दैट्स द वे इट इज। स्किल बेस्ड ट्रेनिंग के लिए नंबर है, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग में कहते हैं कि 15 से 20 लोग, 15-20 इज द साइज। और क्यों ये कहते हैं? क्योंकि एक ह्यूमन, वन पर्सन, वन ट्रेनर कैन ओनली अटेंड टू 15-20 पीपल इन टर्म्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट। यार ये बढ़ रहे हैं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उस प्रोग्राम में फीडबैक देना है, वर्कशॉप
पीपल आर वर्किंग टूगेदर एंड लर्निंग, और किस लिए होती है? स्किल डेवलपमेंट के लिए होती है. दूसरा तरीका इसको देखने का है कि नॉलेज बेस्ड प्रोग्राम में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपने नॉलेज ट्रांसफर करनी है. स्किल बेस्ड प्रोग्राम में यू बिकॉज पीपल विल प्रैक्टिस, सो इट हैज अ डिफरेंट डायनामिक. सो आई हैव डन ग्रुप्स साइज 3000, वर्क्स फाइन. इन फैक्ट इट्स मोर पावरफुल फॉर सच अ सेटिंग. मॉब मेंटालिटी है ना, बड़ी आसानी से. तुम्हें पता है 30 लोगों को कोयले पे चलाना मुश्किल काम है, गर्म कोयले पे. 300 लोगों को गर्म कोयले पे चलाना आसान काम है. So I would use that size and the size of the ijtima to actually get people going positively around something, because they can collectively push. However, I would always have a smaller group when I'm working on their presentation, when I'm working on their skills for sales, for whatever those skills are. अच्छा, तुम्हारा इम्पैक्ट के हवाले से जो आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट, के देखो इम्पैक्ट इज नॉट जस्ट कि मैंने 10,000 लोगों की ट्रेनिंग करा दी. ये क्या इम्पैक्ट है यार? आप 10,000 टच पॉइंट्स हो गए, लेकिन डेवलपमेंट सेक्टर ने किया है ना, इतने हजार लोगों तक पहुंच गए, इतने हजार लोगों तक पहुंच गए. उमेर मलिक, बहुत शर्त की बात होती है अगर आपने एक बंदे के साथ भी ट्रांसफॉर्मेशन मुमकिन बना दी. और यकीन माने कि वो एक बंदा उमेर के बाहर का होने की जरूरत नहीं है. तो okay. एक बयान सुना था मैंने, किसी के बारे में सुना था कि बहुत बड़े अल्लाह वाले, तो उन्होंने मजमे से बयान किया और फिर घंटे बाद एक बंदा पहुंचा, मैं बड़ी दूर से चला था आपकी बात सुनने के लिए और मैं लेट हो गया, तो उन्होंने बिठा के वो 1.5-2 घंटे का पूरा उसे भी सुना दिया. तो किसी ने चलते हुए कहा कि हजरत, ये तो अपने अभी मजमे से बात की थी तो इस अकेले से की. तो उन्होंने कहा मैंने पहले भी एक के लिए की थी और अभी भी एक के लिए की है. अब वो मेरा, यानी वो पहले भी अल्लाह के लिए की थी और अभी भी अल्लाह के लिए की. वाह, बहुत खूबसूरत. सो अब देखो, इसमें एक तो ये बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में घुस गई है और बहुत ज्यादा शदीद अंदाज में घुस गई कि मैंने दुनिया तब्दील कर देनी है, मैंने बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनाना है, या मैं कल पाकिस्तान का टॉप तरी, या मैं वायरल मोस्ट, या मैं कितने रिफ्रेश किए जा रहे हैं, कितने मुझे भी लोग कह रहे हैं. आज मुझे कोई कह रहा है आपकी क्वारंटीन सीरीज पे कम व्यूअर्स है, आपकी आईबॉल्स पर. छोड़ दे यार, प्लीज छोड़ दे. मैंने कहा आपने बातें सुनी है क्या हो रही है? मैंने कहा उस तरह की बातों पे अगर 5 लोग भी बैठे हैं तो हम बहुत खुश हैं, क्योंकि 5 लोग बहुत अच्छी बात करें और उस मौजू पे. और इसका मतलब ये नहीं कि बाकी फजूल है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है. सो प्लीज इम्पैक्ट के दीवाने और फेम के दीवाने और ओवरनाइट चेंज और तब्दीली और नया पाकिस्तान और पल भर में और बंगाली बाबा दीवारें, ये टेम्परमेंट शो करता है, नेशनल टेम्परमेंट. एंड आई वुड अर्ज यू टू प्लीज वर्क हार्ड. Work hard. They say 10,000 hours, right? लगाएं ना 10,000 घंटे सर, फील्ड में लगाएं. उससे पहले बकवास ना करें, उससे पहले पैसे ना मांगे, उससे पहले रगड़े अपने आप को. आपसे जो चीज नहीं होती वो जाके करें, so that you learn. Please focus on that. Focus on that. क्योंकि टीचर का इम्पैक्ट जो है ना, उसके बारे में कहते हैं कि टीचर टचेस इटर्निटी. A teacher doesn't touch 10 people, darling. A teacher touches eternity. How? How? A teacher touches eternity. एक उस्ताद तो ट्रेस ही नहीं कर सकता उसके काम का इम्पैक्ट क्या है. क्यों? क्योंकि उसने जिसको इम्पैक्ट किया है, उसने कितनों को इम्पैक्ट किया है, उसकी फैमिली और आगे जाके जिंदगी में कहाँ का. ये काम एक के साथ करो, 10 के साथ करो, 100 के साथ, गिनना छोड़ो. छोड़ो गिनना. हजरत रूमी के किस्सों में आता है कि एक दुकान पे गए तो एक औरत ने चीजें ली, तो दुकान वाले ने पैसे नहीं लिए. तो रूमी ने कहा ये क्या माजरा है, तूने पैसे तो चली गई औरत. तो रूमी ने कहा ये क्या माजरा है, तुमने पैसे क्यों नहीं लिए? तो कहते हैं मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मैं इससे इश्क करता हूँ. तो रूमी बेहोश हो गए. एंड व्हेन ही केम बैक टू हिज सेंसेस, समबडी आस्क्ड व्हाट हैपेंड. कहता है कि ये एक बशर से मोहब्बत करता है और गिनता नहीं है, और मैं अल्लाह का नाम गिन गिन के लेता हूँ. मोहब्बत में गिनती नहीं होती यार. जिस काम से मोहब्बत होती है वो कर दिया ना उन्होंने, एक दर्स रिपीट कर दिया ना उन्होंने. वो एक नहीं किया, उन्होंने वही दर्स हजारों बार रिपीट किया होगा और उसी खुलूस के साथ किया होगा.
क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि दैट इज वॉट ही स्टैंड्स फॉर, दैट इज वॉट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड. एंड इट्स नॉट जस्ट जो आई थिंक आई रियलाइज दिस मोर सो इन दिस क्वारंटीन टाइम, जो मुझे लोग कह रहे थे यू आर हेल्पिंग अस इन द क्वारंटीन, और मैं कॉमेंट पढ़ा और मेरे दिमाग में आई नो आई एम नॉट हेल्पिंग यू, आई एम हेल्पिंग माई सेल्फ, यू नो. सो आई बिलीव दैट इम्पैक्ट अपने आप से शुरू करें, आप अच्छे इंसान बन गए, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा. क्यों? क्योंकि आप साहिब औलाद हैं, आप यू नो यू हैव आपसे एसोसिएटेड है, आपने एक जिंदगी भी और कर दी ना ट्रांसफॉर्म, आपका बहुत बुलंद मर्तबा होगा. सो काम करते रहें, गिनना छोड़ें. सही. इसी बारे में मैंने भी किसी आलिम से बड़ी जबरदस्त बात सुनी, तो उन्होंने कहा था यार तुम अगर 100 लोगों को दावत देते हो ना तो अगला बंदा एक दफा सुनता है, लेकिन अगर तुम उसका निशाना अपना दिल बना लो तो तुम्हारे एक तो तुम कभी कभी उसको वो यानी जब भी दावत दोगे तो तुम्हारे अंदर ह्यूमिलिटी आएगी, बिकॉज यू नो कि मैं अपने आप को सुना रहा हूँ. एंड सेकेंड, अगर तुम 100 लोगों को दावत देते हो तो उनके दिल पे बात एक दफा जा रही है, लेकिन तुम्हारे दिल पे वो तीर 100 दफा चल रहा है. एंड वो जो तुम पे इम्पैक्ट आएगा दैट इज अनमेजरेबल. बहुत मैं बहुत शर्मिंदा करेगा जब तक तुम तब्दील नहीं हो जाते. आपका बहुत शुक्रिया उमेर, थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन योर शो. मैं चाहूंगा कि आप बस बिल्कुल लास्ट जो भी आप बात कहना चाहें लोगों से, क्योंकि लोग ट्रेनिंग में भी हैं, टीचिंग में भी हैं, बिजनेस में भी हैं, या यूथ से, जो यानी क्या किया जा सकता है इस टाइम में और लॉन्ग टर्म में, ताकि बस लास्ट मैसेज व्हाटएवर यू वांट. I think I will go back to what I've been repeating in this crisis. Let me just put it out. It's a wonderful definition of crisis. Or wait a second. या सो बेसिकली बात ये है कि क्राइसिस का जो रूट वर्ड है उससे मुराद है टू सिफ्ट थ्रू एंड लीव व्हाट इज एक्सट्रेनियस, यानी जो चीजें एक्स्ट्रा होती है ना वो छोड़ दें, एंड टू कीप व्हाट इज एसेंशियल. क्राइसिस इज अ गिफ्ट, इट अलाउज यू टू लीव व्हाट इज एक्सेस एंड टू रिटेन व्हाट इज एसेंशियल. पकड़ लें उसको जो कि लाजमी है, और छोड़ दें वो जो अय्याशी है, जो कि फालतू है. कोरोना पूरी दुनिया को लाजमी पे ले आया, सारी अय्याशी बंद पड़ी है भाई, सारी अय्याशी बंद पड़ी है. अनाज इज वैल्यूएबल, दैट्स व्हाट मैटर्स. फूड, हु कैन ग्रो फूड. लाइफ इज व्हाट मैटर्स. क्वालिटी ऑफ लाइफ इज व्हाट मैटर्स. दीज आर द थिंग्स दैट रियली रियली मैटर. ये वो उसूल हैं, ये वो आइडियल्स हैं जो कि हमें चेज करने चाहिए. वरना बहुत सारे लोग भागते रहते हैं. एंड आई एम सैडेंड दैट सम जनरेशंस नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट. आवर जनरेशन इज द जनरेशन दैट गॉट 60 डेज इन आवर हाउसेस, नो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर. आई डोंट हैव द टाइम, दिस इज द टाइम. एंड आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू डू अ लॉट, बट मेक गुड डिसीजंस ड्यूरिंग दिस टाइम. And try practicing them, because साथ साथ trauma भी है, गम भी है, तो सारी चीजें तो नहीं कर पाएंगे. कोई अच्छा दिन है, कोई बुरा दिन है, लेकिन थोड़ा बहुत भी करेंगे तो rewiring शुरू हो जाएगी. आपका बहुत शुक्रिया उमेर. जज़ाकअल्लाह उमेर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल से. थैंक यू. बात की. जज़ाकअल्लाह सर. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.